और आओ जरा दो कदम आगे बढ़ जाओ। ये तो घोड़े हैं लेकिन कुरान बताता है जात का कुत्ता है, लेकिन संग जुड़ गया वलियों के, और अल्लाह ने उस कुत्ते के बैठने के स्टाइल को भी कुरान में बयान कर दिया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िरा ए बिल वसीद, कुरान कहता है सूरह कहफ उठाए, उनका कुत्ता गार के धाने पर बाजुओं को फैला के बैठा हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान मजीद का तो एक एक हरफ और एक एक लफ्स हयात बख्श है और ज़िंदगी बांटता है और हमारे लिए सरासर हिदायत है, तो इसमें हमारी क्या रहनुमाई है, इसमें कुरान ने हमें क्या हिदायत दी है, कुरान का क्या पैगाम है इसमें कि कुत्ते के गार के मुंह पर बैठने के स्टाइल को, उसकी हयात जुलूस को बयान किया गया। तो या अल्लाह, कुरान तो सहीफा हिदायत है और कुरान तो नूर व निखत का रोशन हवाला है, ज़िंदगी गुजारने का उसलूब देता है, ये तो हयात बख्श है, ये तो हिदायत आफरी है, तो इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है कि कुत्ते के बैठने के स्टाइल को बयान किया जा रहा है। कहा यही तो बताना चाहता हूँ कि जात का कुत्ता भी हो वलियों के संग जुड़ जाए तो रब को वो भी प्यारा लगता है, इसलिए कि वो मेरे वलियों की संगत में आ गया है, तो जो कुत्ता वलियों की संगत में आ जाए वो तो महबूब हो जाए, और जो इंसान गौसे आज़म की चौखट पर बैठ जाए तो फिर उसकी अजमत का आलम क्या होगा और उनकी रिफतों का आलम क्या होगा। तो ये नस्बतें इंसान को कुर्बत की मंजिलें देती हैं।